आज मैं आपको डिंग चेक जबरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ सर। कैसे करेंगे अलर्ट? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ASF जॉब्स आई है न्यू 2023 में, उसमें कैसे अप्लाई करें। तो उसमें जल्द ही अप्लाई करना है उनके लिए ये वीडियो बनाई है जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने 12th क्लास के बाद उन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट की है, क्या वो ग्रेजुएट हैं। अगर 12th क्लास पास कर लिए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। तो अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लगा गूगल पे आना है और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या ASF जॉब्स 2023। सही है, आपको लिखना है क्या ASF जॉब्स 2023। इस पर जाके आपको लिखना है, इस पे ऊपर करना है क्लिक। सही है, फर्स्ट वाली वेबसाइट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑन जॉब्स उस्ताद, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करें उसको क्लिक करने के बाद आपके आया सामने ये देखें, तो ये है एडवर्ट बता रहा है डेट पोस्टेड 28 डेट को ये पोस्ट हुई है क्या जॉब्स, और इंडस्ट्री गवर्नमेंट जॉब्स है भाई। सही है, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन मतलब ASF में ये जॉब्स है। कराची सिंध में आपको जॉब करनी होगी, कराची में आप जॉब करेंगे। सही है, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 8/7/2023, मतलब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 जुलाई। ओके, फुल टाइम नंबर ऑफ पोस्ट 50+ पोस्ट है, और आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन कराची सिंध में आपको ये क्या करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने। अब किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप? डायरेक्टर प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, मैनेजर IT, सुपरवाइजर, जनरल मैनेजर ऑपरेशन, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सेल्स एंड मार्केटिंग, और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट, असिस्टेंट फाइनेंशियल लीड, कैश रिकवरी एजेंट, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये एडवर्टाइज भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको आप ये ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ओके, तो अब ये तो बात हो गई एडवर्टाइज की और मैंने आपको बता दिया। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? तो इसको अप्लाई ये करना है कि आपको सबसे पहले क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट मीटिंग दी, आपको पहले CV क्या है, आपको CV बनानी होगी आपकी जो क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट डोमिसाइल मतलब अगर आप ग्रेजुएशन से आपने की हुई है ना, तो आप 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल और अपना CNSE, उसको आप फोटोकॉपी तो करवाएंगे लेकिन आप अटेस्टेड भी करवाएंगे 16th ग्रेड या 17th ग्रेड ऑफिसर से। लेकिन आपको एक बात याद करनी है, आप एक काम करना, आपको क्या करना है, एक बंडल बनाना है, उस बंडल बना के सबकी फोटोकॉपी करके, सही है, और CNSE की भी लाजमी, और CV भी भेजना, और आपको ये जो लिखा हुआ है ना ASF फाउंडेशन हेडक्वार्टर, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। लिखा हुआ है कि ASF फाउंडेशन हेडक्वार्टर B220280। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। उसको जब आप भेज देंगे तो उसके बाद आपके नंबर पे ऊपर मैसेज आएगा कुछ दिनों के बाद। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसमें अप्लाई करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे। उम्मीद तो यही है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलर्ट ही रहना भाई। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।